वेलकम बैक गाइज टू वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ स्मार्ट मूवीज वॉक। तो गाइज अगर आप मार्वल के डाई हार्ट फैन हैं तो ऑलमोस्ट आपने मार्वल की सभी मूवीज तो देखी होंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सुपर हीरोज की जिनको मारना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है। तो हमने ये लिस्ट ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर और इमोर्टेलिटी को ध्यान में रखकर बनाई है। और सबसे बड़ा पॉइंट, मार्वल ने अपने यूनिवर्स में इन सभी सुपर हीरोज को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया हो। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो उल्टी गिनती से। तो नंबर 10 पे आते हैं लोकी। हमने देखा कि लोकी की वेब सीरीज में लोकी ने बहुत ही अच्छी तरीके से सिल्वी को एक्सप्लेन किया कि लोकी हारते तो हैं लेकिन लोकी मरते नहीं, और मार्वल की मूवीज में लोकी ने ये बहुत बार प्रूव भी किया है। थॉर की फर्स्ट मूवी में वो बाइफ्रॉस्ट के ब्रिज से कूद जाता है लेकिन फिर भी वो जिंदा होता है। सेकंड थॉर में देखा गया कि लोकी थॉर के हाथों में दम तोड़ता हुआ दिखाई देता है लेकिन फिर भी वो जिंदा होता है। इन्फिनिटी वार में थैनोस अपने हाथों से लोकी को मारता है फिर भी वो अल्टरनेट टाइमलाइन में अभी भी जिंदा है। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से कहा जा सकता है कि लोकी को मारना इम्पॉसिबल है और अच्छे अच्छों की बस की बात नहीं। नंबर 9, विजन। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इन्फिनिटी वार में थैनोस के हाथों विजन को मार दिया जाता है तो फिर विजन इस लिस्ट में क्या कर रहा है। तो विजन को मार्वल के यूनिवर्स में बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड दिखाया गया है, लेकिन विजन अपनी डेंसिटी को कंट्रोल कर सकता है और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में से आर पार आसानी से निकल सकता है। अगर वो चाहे तो कोई उसको छू भी नहीं सकता। यहाँ तक कि विजन की पूरी बॉडी वाइब्रेनियम की बनी है और वो जावीज, अल्ट्रॉन, टोनी, हल्क, मणि सभी चीज़ों का संगम है। तो आप ही सोचिए कि उसको मारना कितना मुश्किल है। नंबर 8, ग्रूट। अभी तक के मार्वल के सभी कैरेक्टर में से ग्रूट का हीलिंग फैक्टर और ग्रोइंग स्पीड बहुत तेज है, और जिसको हम मार्वल के यूनिट्स में बहुत बार देख भी चुके हैं। जैसे कि गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी में वो अपने आप को ग्रो करके सभी लोगों को बचा लेता है और एक छोटे से टुकड़े में से दोबारा ग्रो हो जाता है। वहीं इन्फिनिटी वार में वो थॉर के लिए अपने आर्म्स को ग्रो करके स्टॉर्म ब्रेकर का हैंडल बना लेता है और अपने हाथों को बहुत ही तेजी से ग्रो कर लेता है। एक और बड़ा फैक्टर है जो ग्रूट को अनक्लेबल बनाता है। कॉमिक में रोनन ग्रूट के प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है और ग्रूट वहां पर लास्ट सर्वाइवल होता है। तो वहां पर वो अपने प्लेनेट के वर्ल्ड एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और वही एनर्जी ग्रूट को जिंदा रखती है। नंबर 7, स्कारलेट विच। स्कारलेट विच को उसकी पावर्स मिली है माइंड स्टोन से। माइंड स्टोन से उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और उसको बहुत सारी पावर्स भी मिली हैं, और उसकी बेसिक पावर है एनर्जी एब्जॉर्प्शन। वो किसी और डायमेंशन से एनर्जी एब्जॉर्ब करती है और उसे यूज़ करती है। और हमने देखा कि एंड गेम में स्कारलेट विच ने थानोस की कितनी बुरी हालत कर दी थी। सिर्फ एक वही थी जो उससे मुकाबला कर पाई थी। उसके अलावा वो माइंड को भी कंट्रोल कर सकती है, दूसरों की बॉडी को हील भी कर सकती है, और इन्फिनिटी वार में उसने अपनी एनर्जी से माइंड स्टोन तक को डिस्ट्रॉयड कर दिया था। इन सब पावर्स के अलावा उसके पास एक बहुत बड़ी पावर ये भी है कि वो रियलिटी को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पर। तो नंबर 6 पर है ब्लैक पैंथर। तो ब्लैक पैंथर को सुपर पावर उसे पैंथर गॉडेस से मिली है, जिससे उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर कैप्टन अमेरिका की माने तो वो रियल लाइफ के ब्लैक पैंथर से भी ज़्यादा तेज़ है, और उसके रिफ्लेक्शन इतने ज़्यादा ज़बरदस्त और कमाल के हैं कि उस पर कोई सामने से भी बुलेट चलाए तो वो उससे भी बच सकता है। उसके अलावा उसकी पावर और स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा कमाल की बनाता है उसका वाइब्रेनियम सूट, जिस पर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होता और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। उसके अलावा कॉमिक में ब्लैक पैंथर को काला जादू भी मिला है, जिसकी मदद से वो आत्माओं से भी काम करवा सकता है। नंबर 6, कैप्टन मार्वल। कैरोल डेनवर्स यानी कैप्टन मार्वल, जिसको अपनी पावर्स लाइट स्पीड के इंजन के एक ब्लास्ट से मिली। लाइट स्पीड से उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। एनर्जी सोर्स की वजह से उसकी एजिंग बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गई है, और यही वजह है कि न्यूक फ्यूरी बूढ़ा हो गया और कैप्टन अमेरिका वैसी की वैसी है। और कैप्टन मार्वल इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि एंड गेम में थैनोस के पंचेस का भी उस पर कोई असर नहीं होता, यहाँ तक कि उसको पावर स्टोन के पंच से भी कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि कैप्टन मार्वल मूवी में हमने देखा कि वो रोनन के मिसाइल्स को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉयड कर देती है, और कॉमिक में तो यहाँ तक कहा गया है कि वो थॉर की जितनी ड्यूरेबल है। नंबर 5, वुल्वरीन। तो दोस्तों इस लिस्ट में लोगन का आना तो बनता ही था, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा और सबसे फास्ट हीलिंग फैक्टर किसी के पास है तो वो लोगन ही है। द वुल्वरीन में हमने देखा कि पूरे न्यूक्लियर बम की पावर को लोगन ने कितनी जल्दी हील कर लिया था। उसके अलावा उसकी एजिंग भी बहुत ही स्लो होती है। जो उसको एडमेंटियम मिला है उसकी वजह से उसकी ड्यूरेबिलिटी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। वुल्वरीन का इस लिस्ट में इतना पीछे होने का रीज़न है एडमेंटियम। जिस तरह एडमेंटियम उसको पावर देती है उसी तरह वो बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाती है। वुल्वरीन की ओरिजिन मूवी में जब उसे एडमेंटियम की बुलेट से शूट किया गया तो वो खुद को हील नहीं कर पाया,
और लोगन मूवी में भी उसकी डेथ का रीजन भी एडमंटियम पॉइजन ही रहा। यही सभी रीजन है जिसकी वजह से वुल्वरीन इस लिस्ट पर नंबर 4 पर आता है। तो गाइस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 3 की। तो नंबर 3 पर आता है डेडपूल। बात हो रही है सुपर हीरोज की और डेडपूल लिस्ट में ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। डेडपूल के पास लोगन की तरह हीलिंग पावर है और वो खुद को रीजनरेट भी कर सकता है। डेडपूल ने अपने आप को मारने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की लेकिन वो मरता ही नहीं है। अगर कॉमिक की माने तो डेडपूल के ना मरने में थैनोस का बहुत बड़ा हाथ है। एक्चुअली डेडपूल, लेडी डेथ और थैनोस के बीच में एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी हुई थी जहां पर थैनोस लेडी डेथ का दीवाना था और दूसरी तरफ लेडी डेथ को डेडपूल चाहिए था। और इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए थैनोस डेडपूल को एक एशियंट आर्टिफैक्ट के थ्रू एक कर्ज देता है कि वो कभी मर नहीं सकता और उसे कभी लेडी डेथ नहीं मिलेगी। इसी वजह से डेडपूल का मरना इम्पॉसिबल है। इसी वजह से उसे कितनी भी गोली लग जाए या जगन्नाथ उसके बीच में से दो टुकड़े कर दे लेकिन वो मर नहीं सकता। और मार्वल की कॉमिक में तो डेडपूल अपने ब्लड की सिर्फ एक बूंद से पूरा का पूरा रीजनरेट हो चुका है। नंबर 2 हल्क। तो गाइस अगर आप मार्वल के फैन हैं और हल्क के फैन ना हो तो ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। तो मार्वल की मूवीज में अभी तक हल्क की सारी पावर्स और ड्यूरेबिलिटी को नहीं दिखाया गया है। अकॉर्डिंग टू मार्वल कॉमिक हल्क मार्वल के यूनिवर्स का सबसे ज्यादा ड्यूरेबल और पावरफुल कैरेक्टर है। ऐसा कहा गया है कि जब हल्क गुस्से में आने लगता है तो उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद तो वुल्वरीन के एडमेंटियम ब्लेड भी उसके ऊपर काम नहीं करते। हल्क की हीलिंग फैक्टर भी बहुत ही ज्यादा कमाल की है जो कि मार्वल की मूवीज में बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। जैसे कि थॉर रैग्नारोक में ब्रूस कितनी ऊंचाई से गिरता है और उसका फर्नीचर पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है लेकिन हल्क में कन्वर्ट होने के बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। मार्वल की कॉमिक में हल्क एक छोटे से टुकड़े से भी पूरा का पूरा रीजनरेट हो चुका है और अगर किसी तरह उसको मार भी दिया जाए तो उसका दोबारा रिजरेक्शन हो जाएगा। इमोर्टल हल्क में ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमें दिखाया गया है कि ब्रूस मरने के बाद भी एक डायमेंशन में चला जाता है और वहां पर उसको अपनी पावर्स दोबारा मिल जाती हैं और वो वापस आ जाता है। तो गाइस फाइनली वक्त आ गया है कि नंबर 1 की पोजीशन को रिवील कर दी जाए और नंबर 1 पर है हमारा थॉर। हाँ जानता हूँ थॉर का नंबर 1 पर देखकर बहुत सारे लोग शॉक्ड हो गए होंगे और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो मुझसे एग्री कर रहे होंगे। तो थॉर का नंबर 1 पर होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि थॉर एक गॉडेस है। थॉर जितना ज़्यादा पावरफुल कॉमिक में है उतना पावरफुल मार्वल की मूवीज़ में अभी तक नहीं दिखाया गया है। थॉर खुद को हील कर सकता है और उसके हैमर भी उसको हील कर सकते हैं। जैसे थॉर फर्स्ट मूवी में डिस्ट्रॉयर से लड़ते लड़ते घायल हो जाता है और हैमर वापस मिलने के बाद वो पूरी तरीके से हील हो जाता है। जहां इबोनिमो जैसे पावरफुल विलन्स की स्पेस में बाहर आने के बाद हड्डियां अकड़ जाती हैं और वो मर जाता है, वहीं थैनोस के पूरे स्पेसशिप को डिस्ट्रॉयड करने के बाद भी थॉर इजीली स्पेस में सर्वाइव कर जाता है। इन्फिनिटी वार में पावर स्टोन की पूरी टॉर्च को अपने ऊपर ले लिया था जिसके सिर्फ एक टच से पूरे के पूरे प्लैनेट तबाह हो जाते हैं। इन सब बातों के अलावा थॉर रैग्नारोक में उसने ओडिन फोर्स के साथ एक ही पंच से हल्क को हवा में ऊपर उछाल दिया था और लगभग हल्क को हरा ही दिया था। अगर आगे की मार्वल की मूवीज में थॉर अपनी पावर्स पर पूरी तरीके से फोकस कर पाता है तो वो भी अपनी बहन हेला की तरह इमीडिएट हील भी कर सकता है। यही सारी चीजें थॉर को गॉडेस बनाती हैं और उसको मारना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है। तो गाइज ये था मेरा ओपिनियन टॉप 10 सुपर हीरोज जिनको मारना लगभग इम्पॉसिबल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जब इतना सब कुछ कर रहे हैं तो लगे हाथों एक पंच बेल आइकन पे भी मार दें। उससे ये होगा कि हमारी इंटरेस्टिंग और जबरदस्त वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगी। आप देख रहे थे स्मार्ट मूवीज वॉक चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।